लोगों ने बताया हमारे पापा की सेकंड मैरिज के बारे में, जबकि हमारी मामा की डेथ को तो अभी एक डेढ़ माह गुजरा होगा। प्लीज मैं अपनी अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ। फोर्स बस सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा हो, तो मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैंने तो बस तुम्हारे अंदर खुद को खड़ा देखा, इसलिए पूछ लिया। तो इस वक्त इस बेतुकी बात का क्या मकसद है? हमें हमें अपना गम हमेशा दूसरे से कम ही लगता है। मेरी मामा को दुनिया से गुजरे हुए भी एक डेढ़ माह ही हुआ था कि मेरे पापा ने एक ऐसी औरत को हम पर लाकर मुसल्लत कर दिया जो हमसे नफरत करती थी, अभी भी नफरत करती है। मेरे पापा मुझसे दूर चले गए। मुझे यकीन नहीं आता जब मैं सोचता हूं क्या ये मेरे वही पापा जिनके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते, मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हमेशा बेचैन रहते। और अब तो हफ्तों क्या महीनों गुजर जाते हैं, वो मुझे नजर भर कर देखते भी नहीं। तो तुम्हारी उदासी में मैंने अपना चेहरा देख लिया, और तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए I'm sorry। मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।